हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल पूरे होने के साथ ही एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया है जिस पर अब तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कह दिया है कि मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितने दिनों की होगी ये निश्चित नहीं होता, और 2 दिन के भी मुख्यमंत्री होते हैं, 15 साल के भी होते हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये हो क्या रहा है? 2 साल सरकार को हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कितने दिन का होगा, इस पर कांग्रेस के अंदर ही ये चर्चा छिड़ गई है। देखिए, यदि टीएस सिंहदेव कुछ भावना या विचार प्रकट कर रहे हैं तो एक जवाबदार व्यक्ति के नाते और जो हमेशा स्पष्ट कहने के लिए प्रसिद्ध है, तो उन्होंने उस बात को प्रस्तुत किया, कहा जो कहीं न कहीं केंद्रीय स्तर में राहुल जी के उपस्थिति में और इन तीनों की उपस्थिति में वरिष्ठ नेताओं के जो वादा अंतिम समय में किया गया था। तो मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव उसको याद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं, और केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व होगा यदि कोई वादा किया है तो उस वादा के अनुरूप जवाबदारी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व जानता है। मगर टीएस सिंहदेव जिस बात को बोल रहे हैं वो हल्की बात नहीं है, उसमें वजन है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, उनका ये कहना है कि मुझे अभी आला कमान कह दे, मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। नहीं, वो खैर ये बात कहना भी उचित है, क्योंकि जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता तब तक मुख्यमंत्री का पद नहीं हो सकता, और यदि केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं वादा किया है तो एक राष्ट्रीय नेता के वादे के अनुरूप राज्य की राजनीति आगे कैसे चलेगी इसका निर्धारण तो अपने उस विश्वास पे करेगा जो कार्यकर्ताओं को देता है। और जब टीएस सिंहदेव जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के बीच में यदि बात हुई है तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके वरिष्ठ नेता उसका क्रियान्वयन करेंगे, ऐसा लगता है। एक बात में ही पूरी बात खत्म है डॉक्टर रमन सिंह के, वो कह रहे हैं टीएस सिंहदेव गंभीर नेता हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनके बात में वजन है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।